महापौर सीताराम जायसवाल ने होली के अवसर पर कहा कि होली एक राष्ट्रीय त्यौहार है तथा होली का त्यौहार लोगों को यह संदेश देता है कि अंदर की ईर्ष्या को त्याग कर प्रेम करें तथा लोगों से जुड़े एवं कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके आपसी संबंध में कड़वाहट बढ़े। जब किसान के खेत में फसल लहलहाता है तो किसान मस्ती में झूमता है और होली मनाता है। उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर एक नई ऊर्जा के साथ आगे के जीवन के लक्ष्य को तय करें। उन्होंने होली के अवसर पर महानगर के सभी नागरिकों को होली की बधाई व शुभकामना दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, एक राष्ट्रीय त्यौहार है और हार पर जीत का प्रतीक है। राम ने लंका विजय करके जब अयोध्या आए तो इस त्यौहार पर पूरे उनके राज्य में होली मनाई गई। तब से लेकर आज तक पूरा देश होली आज दिन मना रहा है। होली का त्यौहार सबको संदेश देता है कि अंदर के कड़ुता को त्याग कर प्रेम करें, लोगों से संबंध जोड़ें और कोई ऐसा काम न करें जिससे आपस में कड़ुता बढ़े। इसी उद्देश्य से जब खेतों में किसानों के घर में अनाज लहलहाता है, किसान मस्ती में झूमता है और होली रंगों का होली भी मनाता है और घर में संपन्नता बढ़ती है, प्रकृति में भी हरियाली रहती है, प्रकृति में नया उल्लास पैदा होता है, उसी का असर मानव शरीर पर भी होता है कि होली में एक नई ऊर्जा ले करके हम अपना आगे का जीवन तय करें। मैं इस शुभ अवसर पर बाबा गोरखनाथ की धरती पर यहाँ के सभी नागरिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ।